वेलकम टू द पार्ट फोर ऑफ द एक्सप्लेन ऑफ चैप्टर नंबर नाइन द अर्थ अवर हैबिटेड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एज वी ऑलरेडी नो द शेप ऑफ द अर्थ इज इज लाइक स्प्योर राइट स्प्योर शेप का है वो बट एक बॉल के जैसा शेप नहीं है वो कैसा राउंड है वो एक और है अर्थ लाइक उसके पोल से फ्लैट है बट उसके इक्वेटर के साइड से वो क्या है थोड़ा बड़ा है वो थोड़ा लार्ज है ठीक है अगर हमको हमारे अर्थ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानना हो तो हमें किसी सर्कुलर डिवाइस पे डिपेंड करना पड़ेगा एक ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर हमारे अर्थ लाइक पूरे वर्ल्ड का मैप बना हो सारे ओशन सारे कॉन्टिनेंट्स सब मेंशन किया गया हो और जो इमेजिनरी लाइंस है वो भी सारी ड्रॉ की गई हो उस वैसे एक डिवाइस से हम जान सकते हैं हमारे वर्ल्ड यानी अर्थ के बारे में ज़्यादा वो डिवाइस को हम क्या कहते हैं ग्लोब ग्लोब एक छोटा सा ग्लोब छोटा होता है और रेप्लिका होता है डुप्लीकेट होता है किसका हमारे अर्थ का उसके अंदर पूरा मैप बनाया गया हुआ होता है ओके okay. और ग्लोब हमें बताता है ग्लोब से हमें पता चलता है कि अर्थ क्या है हमारा थोड़ा सा टिल्टेड है एक साइड पे वो थोड़ा सा टिल्ट है ओके सो ना वी विल नो अबाउट पोल स्टार एक ऐसा स्टार जो एक ही डायरेक्शन में दिखा जाता है और एक ही जगह पर दिखता है वो कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता ना ही अपनी प्लेस चेंज करता है तब आपको एक क्वेश्चन आएगा मैम अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता प्लेस नहीं चेंज करता तो हम उसे रिकोगनाइज़ कैसे करेंगे हम उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे एक कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि करके तो वो उसी के आसपास ही हमें ये स्टार दिखता है ये ब्राइट स्टार है हमको सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के आसपास ही ये स्टार दिखता है जो लोग सी में और डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे करते हैं उन्हें ये पोल स्टार दिख सकता है ऐस ये अपना डायरेक्शन और प्लेस नहीं चेंज करता ये नॉर्थ साइड पर नॉर्थन हेमिसफेयर के साइड पे है और हमारा जो अर्थ है वो सर्कुलर शेप का है राइट right? तो सदर्न हेमिसफेयर से हमें पोल स्टार दिखेगा नहीं एज़ आपको यहाँ पे एक ग्लोब दिख रहा होगा आप देख रहे हो कि वो एक साइड पे टिल्टेड है टेढ़ा है एक साइड से थोड़ा सा तो ये है हमारे ग्लोब हमारे अर्थ का ओके सो नाउ लेटस मूव फॉरवर्ड लेटस नो अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्चिट्यूड आपको यहाँ पे ये जो ग्लोब बना है ग्लोब के ऊपर बहुत सारे लाइंस दिख रहे होंगे राइट वर्टिकल दिख रहे हो हॉरिजॉन्टल दिख रही है तो ये सारी लाइंस क्या है बेटा ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स है तो हम उसी के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे देर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजनरी लाइन्स एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन दीज लाइन्स आर नॉट देयर ऑन अर्थ सरफेस दीज लाइन्स कैन ओनली बी सीन ऑन मैप अब क्या होता है आप ये जो ग्लोब देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है राइट आपको यहाँ पे बहुत सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ये सारी लाइंस इमेजनरी होती है ये एक्चुअल में अर्थ के सरफेस में नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ हमें मैप में दिखती है ये लाइन्स के थ्रू हमें हमारे एग्जैक्ट टाइम एज वेल एज़ लोकेशन पता चलते हैं ये सारी लाइन्स कुछ और नहीं ये सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स है ओके जिसके बारे में हम अभी डीप स्टडी करने वाले लैटिट्यूड द हॉजोंटल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल लैटिट्यूड जो हॉरीजोंटल लाइन्स होती है हमारे अर्थ के सरफेस में ड्रॉ की गई होती है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड इफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट लाइन टू देंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइन बिकम्स लैटिट्यूड लेटिट्यूड ऑफ द पॉइंट एज फार एज द एंगल ऑफ द सेंटर इज अलॉन्ग द इक्वेटर द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181 ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है हमारे अर्थ के सरफेस में इसे ही हम क्या कहते हैं लैटिट्यूड ये जो लैटिट्यूड है उसमें से कुछ लैटिट्यूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेन लैटिट्यूड हम हमें बताई गई है और वो कौन सी है इक्वेटर इक्वेटर हमारे अर्थ के सेंटर में होती है बीचों बीच होती है जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ये एक मेन लैटिट्यूड है ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस ओके लेट इज़ मूव फॉर्वर्ड एंड वन एटी वन लेटीट्यूड हमारे अर्थ के सरफेस पर है ये चीज़ आपको याद रखनी है द ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टिंग द प्लेस फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्दर्न और सदर्न हेमिसफियर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आर कॉल लैटिट्यूडनल लाइन्स जो ईस्ट वेस्ट सर्कल को कनेक्ट करती हुई जो जगह है हमारे अर्थ के नॉर्दर्न या तो सदर्न हेमिसफियर पर इक्वल डिस्टेंस इक्वेटर के इक्वल डिस्टेंस में हम हमें मिलती है उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन्स लेट इज नो अबाउट लॉन्गिट्यूड्स द वर्टिकल इमेजनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल लॉन्गी जो वर्टिकल इमेजनरी लाइन्स है जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो उसे ही हम क्या कहते हैं लॉन्गीट्यूड्स द लॉन्गी मीट मीट ईच अदर एट द पॉइंट एट द पोल्स ये जो लॉन्गीट्यूड्स है वो एक दूसरे को मीट करते हैं पर कहाँ मीट करते हैं पोल पे जैसे यहाँ पे आप, आप नॉर्थ पोल देख रहे हो ना तो सारे लॉन्गीट्यूड्स वहाँ मिलते हैं दीज लाइन्स कम क्लोजर टू ईच अदर वाइल गोइंग टूवर्ड्स पोल अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं जैसे जैसे ये पोल के पास जाते जा रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं क्लोज होते जा रहे हैं पास आते जा रहे देर आर टोटल थ्री सिक्सटी लॉन्गिट्यूड्स टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स है थ्री सिक्सटी लॉन्गिट्यूड्स है उसमें से इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स कौन से हैं ज़ीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड ये दोनों सबसे ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपको याद रखनी है ओके दिस वॉज़ पार्ट फोर ऑफ़ द एक्सप्लेनेशन काइंडली मूव टू पार्ट फाइव